हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज आपको बताते हैं कि स्टार्टर क्या होता है और स्टार्टर का क्या रोल होता है। ये देखिए, एक कॉलम है, इसमें जो ये कंक्रीट हुआ है, इसके बेस में जो बगल से शटरिंग लगी हुई है, इसी को बोलते हैं स्टार्टर। देखिए, सब भी लगा हुआ है। देखिए, एक ये कॉलम है, इसमें भी लगा हुआ है, लगा है ना, सब जगह लगा हुआ है। स्टार्टर लगाने के बाद ही कुछ और हुआ है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है समझने के लिए, ये देखिए स्टार्टर है, शायद दिख नहीं रहा है। स्टार्टर के बीच में एक देखिए लकड़ी का कुटका डाला हुआ है, देखा, ये लकड़ी का कुटका डाला हुआ है। इसमें भी डाला गया था लेकिन निकाल दिया गया है, बीच में देखिए होल हो गया है, उसको बोलते हैं शियर की। इसे इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि हमारा जो सेकेंड लेयर आएगा उसकी बॉन्डिंग बढ़िया हो। जैसे कि ईंट के ऊपर वाले हिस्से में फ्रॉग बना होता है बॉन्डिंग के लिए, सेम वही कंडीशन होता है। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि स्टार्टर जो है ये क्यों लगाया जाता है ये बताना। अब स्टार्टर लगने से सिंपल ये हो जाता है कि हमारी जो शटरिंग लगती है वो भागती नहीं है, इधर उधर टेढ़ी नहीं होती। इस स्टार्टर के बेस से ही हम अपनी शटरिंग लगा लेंगे। अगर स्टार्टर नहीं लगाएंगे, स्टार्टर की जगह पे अगर हम कोई और व्यवस्था करते हैं, जैसे कि टी लगा लेते हैं लोग, उससे हमारा कॉलम टेढ़ा हो सकता है। देखिए, ये कॉलम में शटरिंग लगी हुई है, बस क्या हुआ है, स्टार्टर के बगल में ये अल्फा बोर्ड जो है उसको लगा दिया गया है और टाई रॉड से कस दिया गया है। सिंपली तरीके से हमारा ये शटरिंग हो गया है और हमारा कॉलम इधर उधर भी नहीं होगा। मेन स्टार्टर का काम यही होता है कि हमारा कॉलम या वाल स्ट्रेट रहे, उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए हम सबसे पहले बेस तैयार करते हैं, इसका नाम होता है स्टार्टर।